हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप गैरेज चलाते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं या उसे सीख रहे हैं, तो आपको गैरेज के जो टूल्स होते हैं उसे यूज़ करना अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर क्या वरना आप अगर इसे अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो इसके कारण आपके साथ हादसा हो सकता है। तो जो जो गैरेज टूल रहते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, फिर दो अलग अलग मशीन रहते हैं, जैसे टायर चेंजर है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट मशीन है, और इसी तरह के जो अलग अलग टूल्स रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे टूल्स है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, हाइड्रोलिक इंजन जो कूलर होता है, वो सारे के सारे टूल्स होते हैं। उसे किस तरह से यूज करना चाहिए वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन ये सारे के सारे टूल्स है उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका कंप्रेसर है तो उसे किस तरह से परफेक्टली यूज़ करना है हमें वर्कशॉप के अंदर। तो सबसे पहले हम बना रहे हाइड्रोलिक लिफ्ट पे वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप सीख सके कि इसे किस तरह से प्रॉपरली यूज़ करना है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मैं ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर देता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हम आज से यह नया सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे कि उसे किस तरह से यूज़ करना है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है और इसे किस तरह से मेंटेन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे भी। दोस्तों, ये अपने सामने जो है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे हम कार को ऊपर उठा सकते हैं। पर इस लिफ्ट को किस तरह से परफेक्टली यूज़ करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है और इस कई टाइप के आपको यह मिल जाएगी, हाइड्रोलिक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक मिल जाती है, तो आप बेस्ट चॉइस है वो हाइड्रोलिक करें। क्योंकि हमारे पास पहले इलेक्ट्रिक थी, उसमें क्या होता था, कार को हम ज़्यादा ऊपर लेते तो कभी कभी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती थी। तो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट लिफ्ट रहती है कार के लिए। यह कई सेफ्टी के साथ मिलती है और कई तरह के इसके वर्जन है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप कम कीमत में लोगे या ज़्यादा कीमत में लोगे तो उसमें सेफ्टी सिस्टम है वो बहुत कम मिलेंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है तो इसके अंदर फैसिलिटी भी हमें और सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसे चॉइस करना है तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी की चॉइस करना रहेगा, क्योंकि अगर हम इसे लो क्वालिटी में लेंगे तो ये अपने पे ही खर्चा आएगा। क्योंकि क्या होगा कि इसके कंपोनेंट जल्दी ख़राब हो जाएंगे तो हमारे साथ हादसा होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेस्ट क्वालिटी की चूज़ करनी है। सबसे पहले हमें क्या है, स्लिप को यूज़ करने से पहले उसमें जो दिया गया है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, इसके कौशन और इसकी जो वार्निंग्स है उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और इसके जो मेन्यू लाती है दोस्तों, उसे पहले अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके बाद ही इसका प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद इसे अच्छी तरह से आप यूज़ कर पाएंगे, तो पहले सब कुछ जानना ज़रूरी है ताकि हमारे साथ कोई हादसा ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लिफ्ट के ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर इसकी वार्निंग्स लिखी गई है, तो ये वार्निंग को हमें अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है, बाद में इसे यूज़ करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके कौशन दिया गया है, तो इसको भी पहले हमें अच्छी तरह से जान लेना है और इसके जो सेफ्टी रूल्स है इसे भी फॉलो कर लेना है हमें, उसके बाद ही इसको प्रॉपरली आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो एरिया में लगा हुआ स्टिकर है यह लिफ्ट के बारे में है, तो इसका मॉडल नंबर कौन सा है, इसको पावर कितना है, मोटर कितने पावर की मोटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यह मोटर लगी हुई है, हाइड्रोलिक मोटर है, कितने पावर की है वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिर इसका पावर सप्लाई कितना है, वेट का टोटल है, पूरी की पूरी लिफ्ट है उसका वेट कितना है, ये सारी बातें आपको लिफ्ट की हाइट कितनी है वो सारी बातें आपको यहाँ पर मैंशन की हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिफ्ट के लेग रहते हैं इस तरह से, लिफ्ट के अलग रहते हैं यहाँ पे इस तरह से, इसके एडोप्टर दिए जाते हैं अलग अलग साइज़ के, यह दोस्तों होते हैं वो एडोप्टर कहा जाता है इसे। तो ये लिफ्ट के साथ हमें मिल जाते हैं अलग अलग साइज़ के, आप देख सकते हैं कहीं एडोप्टर आपको इसके साथ मिलेंगे। ये अलग अलग हाइट के और साइज़ के एडोप्टर है, इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कार हो तो उसको अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं लिफ्ट पर, बाद में इसे ऊपर उठाना है, ताकि यह सेफ्टी मैनुअल में लिखा हुआ है कि इसे अच्छी तरह से कार को क्या होगा, सेंटर में ही उसे उठाना रहेगा, जिसका जो जैक इसके जो पॉइंट दिए होंगे कार के अंदर वहाँ से ही इसको लगाना है, बाद में इसे यूज़ करना है। ये एडोप्टर का अच्छी तरह से यूज़ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो मैनुअल है उसमें भी ये बताया गया है कि इसके जो एडोप्टर है उसे ठीक तरह से हमें यूज़ करना होगा, वरना क्या होगा कि यह हादसा होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, एडोप्टर को जब भी आप कार को लगाएं तब उसे अच्छी तरह से फिक्स करना है, दोनों साइड पे सेम ही रखना है, ताकि क्या हो कि कार कोई भी एक साइड पे झुकी हुई ना रहे, वरना आप देख सकते हैं इसके वजह से जो हादसा होता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को भी पहले सारे इंस्ट्रक्शन को साथ में मैं दिखाता जाऊंगा कि ये प्रॉब्लम में या हादसा हो सकता है। तो दोस्तों ये जो लिफ्ट के लेग रहते हैं उसे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, जब भी कार को लगाए तो इससे पहले एग्जैक्टली कार के जो पॉइंट दिए जाते हैं उसके साथ परफेक्टली सेट कर देना है, बाद में इसका यूज़ करना है। अगर आप कोई भी लिफ्ट खरीदना चाहते हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको अलग अलग तरह के लिफ्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो आपको अच्छे लगे वो आप खरीद सकते हैं। आप देख सकते दोनों साइड सेम दिया जाता है, तो इसको अच्छी तरह से पहले कार के साथ सेट करना है, अच्छी तरह से कार को बीच में सेट करना है। वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कार को किस तरह से सेट करना होता है लिफ्ट पे। उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको ये इस तरह के लॉक देखने को मिलेंगे। तो ये लॉक क्या होता है, जब हम इसके लेग को सेट कर देते हैं इस तरह से, फिर क्या होता है लिफ्ट जब ऊपर उठती है तब ये इस टीथ के अंदर है उसे लॉक कर देगा, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये लेग एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, बाद में ये साइड में आप देख सकते हैं साइड में इस तरह से मूवमेंट करना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये लॉक। ये किस तरह से वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं लिफ्ट को हमने ऊपर उठाया तो ये इसकी जगह पे इस तरह से लॉक हो जाएगा, बाद में आप देख सकते हैं अब ये लेग है वो मूवमेंट नहीं करेगा। इस तरह से ये अंदर बैठ जाने के बाद क्या होगा, ये लेग मूवमेंट करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या हमें एक तरह से सेफ्टी मिलती है। और दोस्तों हम जैसे ये लिफ्ट को वापस से नीचे लाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे इसका पॉइंट है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लॉक ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे लिफ्ट नीचे आएगी तो ये लॉक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, तो ये हमारी सेफ्टी के लिए दिया जाता है। तो ये लॉक भी जब हम कार को लगाए तब ये लॉक अच्छी तरह से लॉक हो गए है कि नहीं, इसे भी हमें चेक कर लेना है। तो दोस्तों लिफ्ट के अंदर दोनों साइड पे इस तरह से हाइड्रोलिक जैक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही इस तरह से हाइड्रोलिक हमें मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से ये कार को यह है उसे ऊपर उठाता है। साथ में आप देख सकते हैं यह दो रोप मिलते हैं हमें, वो क्या करता है आप देख सकते हैं यहाँ से एक रोप जाएगा सीधा इधर आएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा और एक यहाँ से लगकर सीधा ऊपर से होकते हुए वापस से इधर की ओर आएगा, इसके साथ कनेक्ट रहेगा। तो इससे हमें क्या एक सेफ्टी मिलती है। तो दोस्तों मैं भी इसमें जो सेफ्टी के लिए दिया जाता है वो सीधे बता रहा हूँ। ये जो रोप है उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भी एक साइड का हाइड्रोलिक खराब हो जाता है दोस्तों ये दोनों में से, तो कार क्या एक तरफ का जो ये पार्ट है वो नीचे की ओर आने लगेगा, पर यह रोप की मदद से क्या होगा कि उसमें हमें सेफ्टी प्रोवाइड मिलेगा, जिसकी वजह से अगर एक हाइड्रोलिक पार्ट खराब हो जाता है तो यह कार एक साइड से झुक कर नीचे नहीं आ जाएगी या गिरेगी नहीं, या रोप की मदद से दोनों के दोनों है वो वैसे के वैसे एक जगह पर स्थिर रहेंगे, जिसकी वजह से हमें एक तरह से सेफ्टी मिलती है कि अगर हाइड्रोलिक पार्ट्स खराब हो जाता है तो भी कार ऑटोमेटिकली डाउन नहीं हो जाती है। और दोस्तों इसमें जो तीसरा मेरे सेफ्टी के लिए जो सिस्टम दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इस लिफ्ट को ऊपर उठाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टक करके आवाज़ आ रही है एक तरह से, अभी यह लिफ्ट ऊपर की ओर जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसके लॉक होते हैं। तो इस तरह से जो आवाज़ आती है वो इसको लॉक करते हैं, इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट बने हुए हैं इसके अंदर यह पार्ट है पोर्शन वो लॉक होता होता ऊपर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये हाइड्रोलिक काम करना बंद कर दे तो भी ये एक साथ नीचे नहीं आ जाएगी, इसमें लॉक होने की वजह से ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा ताकि हमें एक तरह से सेफ्टी मिल सके। जब हम कार को लिफ्ट को नीचे करना चाहे तब सबसे पहले हमें इस लॉक को इस तरह से खींच के रिमूव करना पड़ता है, बाद में ही हम कार को नीचे डाउन कर सकते हैं। दोनों तरफ यह लॉक होता है तो हमें सबसे पहले यह लॉक को रिलीज करना होगा, बाद में ही कार नीचे आएगी। ये हमारी सेफ्टी के लिए दिया जाता है। जब हम इसके नीचे काम करें हो तो क्या कि लिफ्ट झट से नीचे नहीं आ जाती और हमें एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप जितने अच्छी क्वालिटी के लिफ्ट खरीदेंगे उतनी सेफ्टी सिस्टम आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने जो लॉक बताया आपको, अगर आप उसे रिलीज नहीं करेंगे तो आप लिफ्ट को इस तरह से नीचे नहीं ला पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस लॉक को पहले रिमूव करना हमें ज़रूरी रहता है।
ये हमारी सेफ्टी के लिए एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है। जैसे आप इस लिफ्ट को यूज़ करते हैं आपको एक आदत सी बन जाती है, ऑटोमेटिकली आप पहले लॉक खींचेंगे बाद में लिफ्ट को नीचे करेंगे, जिस तरह यूज़ करते करते हमें एक हैबिट बन जाएगी बाद में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो लिफ्ट है वेट की मदद से, कार के ऊपर जो वेट लगा उसकी मदद से नीचे आती है, तो जैसे इसके ऊपर कार होगी तो ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड में नीचे आएगी। अभी क्या इसका वेट के हिसाब से यह धीरे धीरे स्लो डाउन नीचे हो रही है। तो दोस्तों अब हम इस पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिसीवर है ऑयल का, इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोलिक ऑयल है उसे डाला जाता है। जो इस मोटर के पावर दे सप्लाई होता है तो ये मोटर इसमें घूमती है और ये हाइड्रोलिक है प्रेशर के साथ ही पाइप की मदद से क्या होता है ये दोनों जो हाइड्रोलिक जैक रहते हैं अंदर लिफ्ट के अंदर उन दोनों में सप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यह ऊपर उठते हैं और अपनी कार है वो ऊपर उठती है। तो यही इसका पूरा का पूरा सिस्टम रहता है। बाद में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर की साइड जो बटन दिया गया है यहाँ पे वो होता है लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए। यह मोटर घूमेगी इसकी मदद से तो क्या होगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होगा, एक आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जा रही है वो वहाँ से लेके वहाँ तक जाएगी और एक यहाँ से लेके इस जैक में आएगी। तो यह मोटर घूमेगी तो हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ से बाहर आएगा, पास्कल का नियम तो आपने सुना होगा, उसके नियम के अनुसार ये दोनों तरफ सेम प्रेशर देगा और बाद में कार को ऊपर उठा लेगा। इस बटन से हम कार को ऊपर उठा सकते हैं। और दूसरा जो बात रहा तो कार को नीचे उतारने के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है इसका बटन। एक बात और भी है दोस्तों, अगर कार इलेक्ट्रिक सिटी चली जाती है तो हम कार को ऊपर तो नहीं उठा सकते, अगर कार अपनी ऊपर होगी तो हम उसे नीचे ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या नीचे लाने के लिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिक सिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ इसका वन वाल होता है इसके अंदर, इसे इस तरह से पुश करने पर क्या होगा हाइड्रोलिक प्रेशर है वो वापस से रिलीज हो जाएगा और इस टैंक में आने लगेगा। तो इसे इस तरह से प्रेस करने पर लिफ्ट है ऑटोमेटिकली नीचे आने लगेगी। तो हमें ऊपर उठाने के लिए इलेक्ट्रिक सिटी की ज़रूरत रहती है, उसे नीचे लाने के लिए इलेक्ट्रिक सिटी की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। अगर हम कार कर रहे हैं और अचानक से इलेक्ट्रिक सिटी चली जाए तो बाद में कार ऊपर के ऊपर नहीं रहेगी, हम उसे नीचे ला सकते हैं। सिवाय कि अगर आप इसका लॉक खींचना भूल गए और इसे नीचे कर दिया तो लॉक के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो आप उसे नीचे नहीं ला सकेंगे, पहले तो थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा बाद में इसे लॉक को रिलीज करना पड़ेगा बाद में नीचे आएगी। तो यही एक माइंड में सेट रखना होता है कि लॉक पहले खींचो बाद में कार नीचे करो, अगर पहले लॉक खींचना भूल गया वो डायरेक्ट नीचे करने लगे तो लॉक है वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, उसके ऊपर वेट आ जाएगा तो वापस को तो आपको थोड़ा ऊपर उसे उठाने की ज़रूरत रहेगी बाद में लॉक को खींच पाएंगे। तो ये पहले कभी भी आप कार को जब ऊपर उठाते हो और नीचे करना चाहते हो तो पहले लॉक खींचो बाद में ही इसे नीचे करो, एक माइंड में सेटअप रखना पड़ता है इसे यूज़ करते वक्त। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे यूज़ करते वक्त हमें सबसे पहला काम यही करना है कि इसका जो वायरिंग रहता है थ्री फेस वायरिंग सिस्टम रहता है, तो इसके लिए पूरी तरह से पहले सेफ्टी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से MCB स्विच को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है सेफ्टी के लिए, और इसके जो वायरिंग है उसे पूरी तरह से ढक के रखना है, कहीं पे भी लूज ना हो जाए, वरना क्या इसके साथ टच हो गया तो मान लो कि अपने साथ अपने को करंट आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसकी पूरी की पूरी सेफ्टी हमें वायरिंग के साथ रखनी पड़ती है। तो दोस्तों अब हम इसके मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसे टाइम पे हमें चेंज करना रहता है, और इसका जो ये सारी पाइपें लगी हुई होती है कॉन्टैक्ट उसे टाइम पे चेक करते रहे कि कहीं से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, अगर ऑयल लीकेज होता रहेगा तो भी एक बड़ा खतरा रहेगा, और ये क्या हाइड्रोलिक लेवल भी कम्प्लीट रहना चाहिए, ये बातें हमें इसको ख्याल में रखनी है इसके यूज़ के दौरान। ये सारी चीज़ें हैं हमें टाइम पर मेंटेन करती रहती है रहनी है। फिर आपको यह केबल को भी बार बार टाइम के साथ चेक करना रहता है, अगर यह लूज़ हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट लगे हुए हैं तो यह लूज़ हो जाएगा तो इसका जो सेफ्टी फंक्शन है वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक टाइम पे यह वर्क करना सेफ्टी सिस्टम बंद कर देगा तो अपने लिए खतरा है, तो इसे भी टाइम पे चेक करना रहता है हमें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और सेफ्टी सिस्टम बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वायर लगा हुआ है वो ऊपर की साइड आप एक डोरी बनी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो किस लिए दी जाती है कि जब हम कार को ऊपर उठाते हैं अगर कार ऊपर के ऊर उठती जाएगी तो क्या हुआ ऊपर के साथ टकरा जाएगी और कार को डैमेज होगा, पर क्या होता है जो ये सेंसर सिस्टम दिया जाता है यहाँ पे हमें इसके साथ कार जैसे ही टच होगी थोड़ी सी तो ये लिफ्ट है वो अपना जो पावर सप्लाई है मोटर के अंदर बंद कर देगा वो सेंसर की मदद से। यहाँ से देखो ये इसके मोटर के साथ कनेक्ट है तो कार वहाँ से ऊपर जाएगी नहीं अपनी,
वहाँ कार को टच हुई तो वहाँ से लिफ्ट अपना काम करना बंद कर देगी, जिससे इसके ऊपर है वो अपनी कार जाएगी नहीं, तो वो कार अपनी जो कार रहती है उसके लिए एक बड़ा सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में मैंने इस लिफ्ट को किस तरह से यूज़ करना है वो बातें मैंने बताई है। अगर आप इस तरह की लिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर कार को कैसे फिक्स किया जाता है जो सेफ्टी रूल के साथ, उसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से फिक्स करनी है ताकि कार गिरे नहीं और कोई हादसा ना हो। तो किस तरह से उसे फिक्स करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।